अस्सलाम वालेकुम। तो जी, इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट कैटेगरी की एसटीएस की टेस्ट में जो मैथ पोर्शन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो है वो 12th डेट पे जो पेपर हुआ है, 12th जून, वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आया था जो 41 से मैथ पोर्शन स्टार्ट होता है, उसमें था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीज 1 इज 50 पैसा। मतलब 50 पैसा को अगर 1 के हिसाब से हम पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे। अब उसके चार ऑप्शन थे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें 50 पैसा को लिखना है, तो 50 अपान, अब फ्रैक्शन कह रहा है तो अपान में हम क्या करेंगे, अपान में 1 के रुपीज़ जो है ना वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पैसाज में लिखेंगे, तो 1 रुपये में कितने पैसाज होते हैं, 100 पैसा। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 में कैंसिल आउट। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 1/2 फ्रैक्शन। अब आप ऑप्शन देखेंगे, जिस ऑप्शन में 1/2 लिखा हुआ हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 42 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ लॉग अंडर रेडिकल 7 एट बेस 7 इज़, सपोज अब हमें ये फाइंड करना है, हमें पता नहीं यहाँ पे क्या है, तो सपोज़ मैं एक्स लिख देता हूँ, अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो भी अगर सिंपल लॉगरिथम में क्वेश्चन है तो आप क्या करें, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस 7 है, ठीक है, लॉग में इज इक्वल के इस तरफ जो भी होता है वो पावर होता है, तो ये पावर हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो चीज़ है वो हम जब एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो इज इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये अंडर रेडिकल 7 हो गया। ठीक है, तो अब ये लॉगरिथम को बेसिक एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना या लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कन्वर्ट करना, इसकी एक वीडियो मेरी बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रख दूंगा, तो आप वो क्लियरली देखेंगे तो वहाँ से समझ जाएंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो जो अंडर रेडिकल 7 है, देखें ये 7 पावर x तो सेम रहेगा, अंडर रेडिकल 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 पावर 1/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रूट होता है, रूट में कोई भी चीज़ हो उसका मतलब भी यही होता है कि रूट में जो भी चीज़ है उसके ऊपर पावर 1/2। रूट कौन सा, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अब बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो भाई एक्स की जो वैल्यू हो गई वो हमारे पास 1/2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में द वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसको ये पता हो कि 45 टेन और कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको वैल्यू को सिंपलीफाई करना या फाइंड करने का जो एक आसान तरीका है उसकी भी वीडियो मेरी बनी हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी इसको हम डायरेक्ट करते हैं, तो टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 + cot 45 की वैल्यू भी होती है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब जो ऑप्शन थे वो मुझे सही नज़र नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लिखे। अब आते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, अब अगर मैं ये समझ जाएंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन होती है, हम उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे एक मैं ये लिख रहा हूँ 1/2 और दूसरा मैं ये लिख रहा हूँ कि 2/3/2। ठीक है, अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सेम, ये हमारे पास न्यूमिरेटर तो n से मैं शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास डिनोमिनेटर तो मैं d से शो कर रहा हूँ। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमिरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे देखो, न्यूमिरेटर की वैल्यू क्या है, 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 2, तो न्यूमिरेटर की वैल्यू कम है, अगर ये कम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे आते हैं, देखें डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है और न्यूमिरेटर की वैल्यू क्या है, 3, तो न्यूमिरेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इम प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है, अच्छा तो ये इम्प्रॉपर हो गई अगर ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी कहलाती है प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो हो ज़्यादा हो और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है वो इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है वो प्रॉपर, तो आप उस हिसाब से फिर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 45, 5/2 कैन बी एक्सप्रेस इन टू द मिक्सड फ्रैक्शन। अब 5/2, अब देखें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ये 5/2 हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो अब आते हैं, हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम 5/2, तो मीन्स 5 ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू के साथ, 2 के साथ टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम टेबल गई, ये हो गया 4, 5 माइनस 4 1। ठीक है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया, जैसे ही रिमाइंडर बच जाए तो हम आ जाते हैं इसको अब लिखने पे, वो यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको। हमारे पास देखेंगे अपान में तो 2 सेम ही रहेगा, ठीक है, अब देखेंगे टेबल कितने दफ़ा हमने पढ़ी, 2 टाइम, तो ये हमारा होल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो क्या है, 1, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, 2 होल 1/2 में। ठीक है, तो ये हमारा होल पार्ट था, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, उसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 21² - 19² ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये सिंपल हमारे पास फार्मूला है, 7th क्लास में भी 8th क्लास में भी मैं लिख रहा हूँ, कौन सा कि a² - b² ये फार्मूला है, जो के बराबर होता है किसके, a+b एंड a-b के। तो मतलब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b, तो a² - b² ठीक है, और जो के बराबर होगा किसके, a+b मतलब 21 + 19 एंड a-b मतलब 21 - 19। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 + 19 हो जाएगा 40, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, मींस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 - 19, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, तो 40 × 2, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 80। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40 एंड 30% ऑफ 60। अब हमें इसको दोनों की परसेंटेज निकाल के ऐड करनी है और बताना है ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले सिंपली 25, ठीक है, अब परसेंट, तो परसेंट का मतलब है अपान में 100, तो 100 लिख दिया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, इसकी 25% 40 की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस इसका जो भी रिजल्ट आएगा, और ये क्या है, 30% मतलब 30% साइन का मतलब है अपान में 100, तो अपान में 100 लिखेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट्स को, इनके आंसर्स को ऐड करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 में कैंसिल। ठीक है, अब हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए 4 की टेबल और 2 की टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 × 2, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस, यहाँ पे आते हैं 0 0 में कैंसिल, ये 0 इस 0 में कैंसिल, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है तो हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी हम कैंसिल कर सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो। ठीक है, आगे एक ऐसा क्वेश्चन है उसमें मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको, 6 × 3 = 18, तो 10 + 18 क्या हो जाएगा, 28 ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, क्या कह रहा है, द मिसिंग वैल्यू इज़,
अब ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं वो मिसिंग वैल्यू को एक्स कर देता हूँ, -1/4 = 1/4, मतलब किसी वैल्यू में से 1/4 माइनस करें और जवाब भी 1/4 आ जाए, ठीक है। तो अब देखें, मुझे एक्स फाइंड करना है कि माइनस का 1/4 है, इज इक्वल के इस तरफ लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इज इक्वल टू ये 1/4 तो जो इज इक्वल के इस तरफ था सेम रखेंगे, ये जब यहाँ आ जाएगा तो माइनस का था, अब प्लस का हो जाएगा +1/4। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अगर किसी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करें और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, जस्ट आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 2/4। ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है तो सिंप्लीफाई करें, 2 1 2 2 2 4, देन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, सबका देखें डिनोमिनेटर सेम है, अगर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो वही रखेंगे डिनोमिनेटर, सब प्लस हो रहे हैं तो जस्ट न्यूमरेटर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करते हैं न्यूमरेटर्स को, 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 4/4, 4 1 4 4 1 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। द वैल्यू ऑफ 1/2 × 2/3 × 3/4 × 4/5, देखो सारी फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 2 में कैंसिल, 3 3 में कैंसिल, 4 4 में कैंसिल, इनकी जगह पे 1 बच गया, ठीक है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, 1 × 1 × 1 × 1 × 1, तो 1 ही रहेगा अपान में 1 × 1 × 5, तो 5, ठीक है, क्योंकि 5 को किसी 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 1 × किसी भी नंबर से हो तो कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, कोई बुक है उसके टोटल 9 हिस्से करें और 7 हिस्से पढ़ लिए गए, ठीक है, 7 हिस्से 9 में से, और फिर जो देखा गया कि बुक में टोटल जो रिमेनिंग हैं वो लेफ्ट जो पेजेस हैं वो 40 पेजेस बच गए हैं, अगर 9 में से 7 हिस्से पढ़ लिए गए हैं, ठीक है, तो रहे कितने, तो 9 में से 7 पढ़ लिए हैं तो बाकी 9 में से कितने रहे, 2 रहे ऐसे, ठीक है, और वो जो हमारे पास बुक है उसमें टोटल पेजेस कितने हैं हमें पता नहीं कितने हैं, तो सपोज एक से लिख देते हैं, तो उस बुक के पेजेस हमें पता नहीं हैं लेकिन 2/9 पेजेस बच रहे हैं जो कि बराबर किसके इक्वल होते हैं पेजेस, 40 पेजेस के, तो इक्वल हम 40 रखेंगे, इसको सिंपलीफाई करें तो 2/9 × x = 40, तो 9 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का मतलब है 2 के अपान में, है ना, तो इधर आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × x = 40 × 9, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, x = 40 × 9/2, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करके बाद में रिड्यूस करें या पहले रिड्यूस कर दें, तो अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें 2 1 2 एंड 2 2 4, 0 20 बच गया, तो 20 × 90 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 2 18 और ये 0, तो हमारे पास हो गया 80, x = 80, तो टोटल बुक में 80 पेजेस हैं जिसमें से 40 बच गए थे, तो मतलब 140 रीड कर लिए गए थे और 40 बच गए थे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या क्या है, पेजेस इन द बुक, और वो हमारे पास आंसर है 180, और देखें हमें टोटल बताया गया है जबकि रीड जो इस फ्रैक्शन बताई गई है वो रीड करने की बताई गई है और जो पेजेस बताए गए हैं वो रिमेनिंग, तो कुछ बच्चे
ऐसे कर लेते हैं कि 7/9 करके और एक्स इज इक्वल टू 40 कर देंगे, तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेजेस बता रहा है वो लेफ्ट बता रहा है। अच्छा, ये होता अगर कि जो 7/2 ओ सॉरी 7/9 बुक पढ़ लिया है जिसके पेजेस होते हैं सपोज 40, तो फिर ये सही था, वरना ये गलत है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट पेजेस पता है तो आप जो फ्रैक्शन निकालेंगे वो भी जो रिमेनिंग जो पढ़ना है जो बच गया है उसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। तो उसकी फ्रैक्शन के लिए टोटल 9 ऐसे हैं, 7 पढ़ लिए तो रिमेनिंग कितने हो गए, 2/9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है आपके पास, कह रहा है अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 4016 kg, इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट, अब एम्प्टी ड्रम की वेट भी बता रहा है 1334 kg, द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम, जो ड्रम में चावल पड़े हुए हैं राइस पड़े हुए हैं उनका वेट कितना होगा। तो अब टोटल जो ड्रम अगर फुल ऑफ राइस है तो उसका जो अगर वज़न किया गया तो वो वज़न था 4016 kg। फिर उस पूरे ड्रम को खाली करके फिर जब वेट कर दिया गया तो वो था 1334 kg। तो सिंपली हम क्या करेंगे, राइस कितने हैं तो हम क्या करेंगे ड्रम का वेट टोटल वेट से माइनस करेंगे। तो माइनस करें, 6 में से 4 गया 2, 1 यहाँ से लेके आएंगे 11, 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 8, यहाँ पे जब 1 लेके आए थे तो 10 और 1 उधर चला गया तो 9 हो गया था, तो 9 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 6, 3 यहाँ पे था ही 3 क्योंकि 1 इधर शिफ्ट किया था, तो 3 में से 1 गया तो 2, 2682 kg जो है वो राइस का वेट है। ठीक है, अब आते हैं द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर। सबसे पहले आते हैं लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट नंबर 3-डिजिट कौन सा होगा। अब देखें हमारे पास नंबर कौन से होते हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर होते हैं ना, इनको अरेंज करके कोई भी बड़े से बड़ा सिंबल्स होते हैं नंबर और छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं। तो अब हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है 3-डिजिट, तो हम यहाँ से पिक भी कौन सा करेंगे, लार्जेस्ट डिजिट जो सिंगल डिजिट है वो हमारे पास क्या है 9, तो 9 3-डिजिट तो तीनों डिजिट पे वही लिखेंगे, तो 999 लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर है। अब हमें स्मॉलेस्ट लिखना होगा। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर लिखने के लिए कुछ बच्चे ये कहेंगे कि अगर लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट नंबर डिजिट लिखा तो स्मॉलेस्ट के लिए हम स्मॉलेस्ट डिजिट यूज़ करें 0। देखें अगर हम 0 यूज़ करेंगे तो 0 0 0 ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो खाली नंबर एक डिजिट नंबर जैसे 0 हो गया। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 0 के अलावा जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो उठाएंगे 1 पहले डिजिट। अब लास्ट दो डिजिट के लिए हम 0 उठाएंगे, तो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर 100। ठीक है, जब आप कहेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 3-डिजिट नंबर और आप में से कोई 0 लिख के आ जाए तो वो 3-डिजिट नहीं है, वो एक डिजिट नंबर है 0। चाहे 10 दफ़ा 0 लिखो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 0। ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं होगा, तो 1, फिर 1 के पीछे आप जितने भी 0 दें तो उसकी वैल्यू होगी। तो अगर 1 1 में देखता तो 111 हो जाता, जब मैंने 0 0 दिए तो 100 हो गया, तो 111 से छोटा है 100, तो इसलिए स्मॉलेस्ट 100 हो गया। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, तो मतलब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, 999 में से माइनस करो 100, तो क्या हो जाएगा 899 आपके पास आंसर हो जाएगा। अब आते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। सपोज एस से हम साहिल को शो कर रहे हैं और आज साहिल की एज है एक्स, तो साहिल की जो एम मतलब मदर, तो मदर की एज क्या है 3 times, साहिल की एज से क्या है 3 times है, मतलब मदर की एज जो होगी वो 3x होगी। ठीक है, ये प्रेजेंट एज। अब हमें क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद मतलब
इसकी भी एज 5 साल बढ़ेगी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स। तो इसकी बेटे की भी उम्र 5 साल बढ़ेगी, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। और मदर की एज भी 5 साल बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, 3x+5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड, जब 5 साल के बाद उन दोनों की एजेस को एड किया गया, मतलब x+5 साहिल की एज को प्लस कर दिया गया उसकी मदर की एज के साथ, ठीक है, तो वो बना टोटल क्या बना, 66 ईयर्स। तो टोटल वो बने 66 ईयर्स के, 5 साल के बाद दोनों की एजेस को जब हमने सम कर दिया तो वो बराबर है 66 के। तो पहले हम प्रेजेंट एज फाइंड की, फिर हमने कहा 5 साल बाद क्या एज होगी, फिर दोनों को ऐड कर दिया, और हमें अब बताया गया था कि एडिशन का जवाब क्या है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सारा ऐसे लिखेंगे, x+5+3x+5=66। 3x+x क्या हो जाएगा, 4x, 5+5 10=66। ये क्या हो जाएगा, 4x=10, प्लस का है उधर जाएगा तो -66 -10, जो कि हमारे पास हो जाएगा 4x=56। 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके जाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड, x=56/4। टेबल पढ़ें, रिड्यूस करें, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 इधर आ जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16, सॉरी 4 4 ज़ा 16। तो x=, हमारे पास क्या हो गया, 14 ईयर्स, और x किसकी एज थी, साहिल की, ठीक है, तो साहिल की एज है 14 ईयर्स। अगर मदर की एज पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो मदर की एज मिलेगी, लेकिन हमसे पूछा क्या क्या गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, तो वो क्या हो गया, 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, द टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3, दे डिफर बाय 18, मतलब अगर उन दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो जवाब क्या आता है, 18, दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 का है, ठीक है। तो हम सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर हैं 5:3, तो मैं कह रहा हूँ कि अब हमें पता नहीं एक्चुअल वैल्यू क्या है उस नंबर की, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 है वो 5x है, और ये जो 3 है ये क्या है, 3x है। अब ये क्या है, कोई सेम चीज़ वैल्यू है, ठीक है, जो दोनों में से कैंसिल होके 5:3 हो गया। अब दोनों से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 5x-3x, वो बराबर है किसके, 18 के। तो 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x=18। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेगा तो x=18/2, जो के बराबर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, x=, हमारे पास 9 हो गया। हमसे क्या पूछा है, द रिक्वायर्ड नंबर्स, अब वो दोनों नंबर क्या होंगे, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 9, तो हम क्या कहेंगे, 5x मतलब 5×9, 9 5 ज़ा 45, एंड 3x मतलब 3×9, 9 3 ज़ा 18, तो भाई वो नंबर क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर 45,18। अब आपका जो ऑप्शन ये होगा उसको आप क्लिक करेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें कम से कम राइट एंगल कितनी होंगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, और इसमें एक ही राइट एंगल होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 57, द मिनिएचर पोर्ट्रेट, मुझे पोर्ट्रेट लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, मिनिएचर पोर्ट्रेट क्या होता है, मतलब एक वाटर कलर के एक पोर्ट्रेट या तस्वीर किसी की बनाई जाए, ठीक है, सपोज ये पोर्ट्रेट है किसी का, आप कायदे आजम इज स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिसकी चारों लेंथ जो हो वो क्या हो, बराबर हो, जितना वो हाइट में हो उतना ही विड्थ में हो, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ हो उतनी विड्थ हो, ठीक है, तो उसकी क्या कह रहा है, एरिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये एरिया हो गई, द लेंथ ऑफ साइड। तो सिंपली हमें क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर नंबर है 256, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब हर लेंथ मिल जाएगी। तो कोई भी अगर पोर्ट्रेट है स्क्वायर में है और उसकी एरिया पता है, तो जस्ट आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो आपको लेंथ और विड्थ की वैल्यू मिल जाएगी जो कि सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, 256 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4 एंड वो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, अगेन 2 की टेबल, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2 की टेबल, 2 3 6, 2 2 4, 32 बचा। कंटिन्यू कर देते हैं, 32, 2 की टेबल, 2 1 2, 12, 2 6 12, 2 2 8 16, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 2 1 2। ठीक है, अब ये काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, अब हमें ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक पेयर बनाते हैं सेम फैक्टर्स का। तो ये बाहर आ जाएगा 2, इसकी जगह पे भी 2, इसकी जगह पे भी, इन दोनों की जगह पे भी 2। ठीक है, ये और बाहर आके ये आपस में जो है मल्टीप्लाई ही होंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 16। तो हर साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, अ टीवी वाज परचेस्ड। ठीक है, परचेस्ड को मतलब कास्ट प्राइस, मैं सीपी लिख देता हूँ, वो है 5000, 50000 सॉरी, एंड सोल्ड, सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 40000। द लॉस इन परसेंटेज, हमें जो है लॉस बताना है परसेंटेज में। अब खरीदी थी 50000 में, बेची 40000 में, तो ज़रूर लॉस होगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे लॉस कितना हुआ है। तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, हम कास्ट प्राइस में से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कास्ट प्राइस हमारे पास है 50000, जिसमें से माइनस करेंगे 40000, तो हमारे पास जो लॉस आएगा वो क्या होगा, 10000 हमारे पास लॉस हुआ। ठीक है, अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए, लॉस की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस, वो क्या है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमारे पास जो होगी वो लॉस की परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 0 इन 4 0 में कैंसिल, तो 1 अपॉन 5 1 5, 5 2 10 और ये 0, तो हमारे पास जो लॉस परसेंट था वो क्या हो गया, 20%। ठीक है, तो 20% जो है हमें वो लॉस हुआ है। और लॉस का मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ लॉस परसेंटेज का, अगर तो लॉस परसेंट का हमारे पास फार्मूला है कि लॉस परसेंट का फार्मूला क्या है, सॉरी ये लॉस परसेंट का फार्मूला क्या है कि जितना भी आपको लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास जो है वो लॉस फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का, प्रॉफिट की परसेंटेज, तो ऊपर हम प्रॉफिट लिखेंगे, अपान में सेम वही कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपने क्या करना था, सबसे पहले लॉस फाइंड करना था और फिर उसको फार्मूला में पुट कर दिया, तो हमारे पास परसेंटेज आ गया लॉस का। क्वेश्चन नंबर 59, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम
को हम बेस टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस टू। तो इसका बेस टू हो जाएगा जवाब। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू, इसका जवाब था टू। अब टू ऑप्शन देखेंगे, जो भी है आप उसको करेक्ट कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के। द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ बाइनरी नंबर। तो हम 34 को बाइनरी नंबर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 34 को 2 के साथ फैक्टोराइज करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर चला जाएगा, 14 2 7 ज़ा 14, कुछ भी नहीं बचा तो हम 0 लगाएंगे पीछे। फिर 2 की टेबल, 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचेगा, जो भी बचेगा ये लाइन देके साइड में रखते आएंगे। ठीक है, फिर 2 की टेबल, 2 4 ज़ा 8, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 2 की टेबल, 2 2 ज़ा 4, 0। फिर 2 की टेबल, 2 1 ज़ा 2, 0। ठीक है, तो अब हमें इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे आएंगे और फिर ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0, बेस 2। ये बराबर किसके है, 34 के, और 34 किस में था, बेस 10 में, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और दूसरे वीडियोस की जो इसमें मेन चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं समझाने के लिए, जैसे लॉगरिथम का टॉपिक था या स्क्वायर रूट वाला था, तो इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।